नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप सभी के साथ उपस्थित हुए हैं कुछ हार्वेस्टिंग और विंटर में टमाटर का सीड कैसे ग्रो करें उसकी वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार हम आप सबका फिर से अपने गार्डन में स्वागत करते हैं। और कुछ हार्वेस्टिंग तुरई और बैंगन का दिखाते हैं और बाकी सर्दियों के लिए टमाटर का बीज पौधा कैसे तैयार करें वो भी बताते हैं और बीज जैसे बो के दिखाते हैं ग्रो करके। तो चलिए दोस्तों, हम तुरई का हार्वेस्टिंग दिखाते हैं आप सबको। ये तुरई है हमारी, ये देखिए ये कितनी बढ़िया जैसे फल लगा है, उसको तोड़ के दिखाते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही ताज़ी ताज़ी सब्जियां जैसे अपने गार्डन में तोड़ने का ग्रो करने का कुछ दूसरा ही आनंद होता है। और बैंगन देखिए, छोटा वाला देसी बैंगन है, कितना बढ़िया है, ताज़ा ताज़ा, और अपने हाथों से उगा करके फिर उसे तोड़ना और बहुत अच्छा लगता है। और शुद्ध और ताज़ी सब्जी भी खाने को मिलती है दोस्तों। तो ये हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हमने सोचा पहले आप सबको हार्वेस्टिंग दिखा दें फिर टमाटर का बीज जो है ग्रो करके दिखाएं पौधा। ये है हमारा लोबिया का पेड़, पहले भी हमने दिखाया है आप सबको, ये हमने उस पर फैला दिया है रस्सी बांध के। अब इसमें अभी छिछड़ रहा है, फूल नहीं आया, फैल रहा है। और देखिए दोस्तों, अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और ये हमने हार्वेस्टिंग कर ली है दोस्तों, बैंगन और तुरई और करेले। करेले तो ज़्यादा नहीं है कुछ, क्योंकि बीच बीच में जैसे तोड़ लेते हैं छोटा छोटा, तो जैसे ज़रूरत होती है तो हमेशा वीडियो नहीं बना पाते, इसलिए करेला अभी फिलहाल तो इतना ही था और हम तोड़ लेते हैं। जैसे करेला तो जानते ही आप सबको घर में बहुत ज़रूरत पड़ती है, यूज करते हैं। और ये हार्वेस्टिंग हो गई है दोस्तों, जो है ये फली भी है लोबिया की, बोड़ा की। अभी इसमें फल नहीं लग रहे, एक पेड़ में दो चार लगा था वही है। दोस्तों, हमने कुछ अपने गार्डन का हार्वेस्टिंग सब्जी कर ली थी, वो भी आप सबको दिखा दिया, तुरई बैंगन। और अब ये टमाटर का बीज जो है पौधा तैयार करने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये दोस्तों देखिए, हमारे पास पांच तरह का टमाटर है। ये टेढ़ा मेढ़ा वाला है जो लकीरदार होता है बड़ा बड़ा, और इसमें है जैसे बड़े साइज के टमाटर और लंबे वाले और देसी टमाटर और चिल्ली टमाटर, जो छोटे छोटे चिल्ली होते हैं। तो पांच तरह के टमाटर हैं दोस्तों, हम इसको अब पौधा तैयार करने जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों मिट्टी एकदम भुरभुरी, जैसे थोड़ा कोकोपीट हो या पत्तियों का खाद वाली मिट्टी हो, या जैसे आपकी बहुत बढ़िया खेत की उपजाऊ मिट्टी हो, तो जिससे पौधा हमारा बहुत अच्छे से जमे, और गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला हुआ हो जिससे पौधा सही से हो। तो दोस्तों ये देखिए, हमें ये डाल रहे हैं बीज को, ये हम दोस्तों जब बीज निकाल के रखते हैं ना, ये सारे बीज हमने अपने टमाटर से ही उगाए हैं। जैसे टमाटर पक जाते हैं तो उसी में से निकाले हैं ये। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं और कुछ बीज हम रख ले रहे हैं बाद के लिए। जैसे एक साथ टमाटर बोएंगे तो एक ही साथ पौधा होता है, थोड़ा एक महीने का आगे पीछे में लगा देंगे तो बाद में जैसे और सही से रहता है, थोड़ा लेट से। अब नहीं तो एक साथ सारा पकने लगता है या लास्ट में जब सीजन ख़त्म होता है तो एक ही साथ सब ख़त्म हो जाते हैं।
और ये देखिए दोस्तों, इसको भी हम लगा दे रहे हैं। ये हमारा टमाटर का बीज लग गया। अब इसको हम पहचान के लिए इस डंडी लगा देंगे कि इस पार हमारा पौधा ये है, और इसको हम मिट्टी से ऐसे कवर कर देंगे। ये दोस्तों, ये कवर हो गया। बहुत हल्की मिट्टी डालनी है क्योंकि बारीक टमाटर के बीज होते हैं, बारीक बारीक। अब डंडी को थोड़ा ऊपर कर दें क्योंकि पानी डालेंगे ना। और अब दोस्तों इसमें भी लगाते हैं ये। ऐसे ही हम राख मिला मिला के बीजों को रख देते हैं अपने। ये देखिए, कुछ इसमें से भी रख लेते हैं। एक गमले में हम दो तरह का, एक गमले में तीन तरह का बीज लगा रहे हैं। ये देखिए, अब इन बीजों को हम हल्की हल्की मिट्टी डाल के हल्के हाथों से, ज़्यादा गहराई में इनको नहीं दबाना है, इस बीज को कवर कर देंगे जिससे हमारा पौधा जल्दी से ग्रो करे। अभी हल्का हल्का हमने डाल दिया और पानी डाल के, दोस्तों पानी डाल के इसको बहुत धूप में नहीं रखना है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, तो जहाँ कम धूप आती हो, जैसे हल्की धूप आती हो, वहीं रख देंगे। बहुत हल्के से डालें जिससे बीज निकले ना। दोस्तों हम सोच रहे हैं ना, जैसे धूप बहुत ज़्यादा है तो हमारी मिट्टी सूख जाएगी गमले की, तो बार बार हम पानी डालेंगे तो बीज हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं ऐसे ये पेपर से तीन चार दिन के लिए, चार दिन पाँच दिन के लिए ये कवर कर दें, तो जब पौधा निकल आएगा छोटे छोटे फिर इसको हटा देंगे, तो इस पर धूप नहीं लगेगी और हमें बार बार पानी नहीं डालना पड़ेगा। बार बार पानी डालेंगे तो बीज हमारे इधर उधर हो जाएंगे, तो ऐसे हम कवर कर दे रहे हैं। अगर धूप कम होती, मौसम सही हो गया होता, तभी सबकी ज़रूरत नहीं थी। अब धूप ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है, तो मिट्टी सूख जाती है, एक ही दिन में सारी मिट्टी सूख के खड़ी हो जाती है। अब इसको जहाँ कम धूप आ रही है, जैसे हल्की धूप है, वहीं रख देंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ रख दिया। यहाँ हमारे बहुत तेज़ धूप नहीं आती, उतरती धूप आती है, जब शाम के टाइम पे हल्की धूप आती है। यहाँ पर हमने कुछ कटिंग भी रखा है, ये देखिए आप, ये कटिंग लगा लगा के हमने रखा है। ये चांदनी की कटिंग है, ये मिर्च वाला गुड़हर का है, कनेर का है, और वो जो है डबल चांदनी का है, उसमें डिब्बे के नीचे वो भी है। तो यहाँ हम रख देते हैं, यहाँ तेज धूप नहीं आती। जो पौधा हमारा वैसा होता है, ज़्यादा धूप न रहे हम यही रखते हैं, यहाँ छाँव आती है हमारी,
तो आज के लिए दोस्तों बस ये। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।